बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने आरजेडी को जबरदस्त टक्कर दी। अब भाजपा इससे आगे की प्लानिंग कर रही है। रिजल्ट में राजद से महज एक सीट पीछे रह गई बीजेपी अब आरजेडी के माई समीकरण में सेंधमारी करने में जुट गई है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी। इसके लिए पार्टी ने बिहार में सभी जिला कार्य समितियों को निर्देश भेज दिया है। बिहार भाजपा 3 जनवरी से 14 जनवरी तक अपने 45 सांगठनिक जिलों में कार्य समिति की मीटिंग आयोजित कर रही है। इसमें बीजेपी के जिलों के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद होंगे। इन्हें पंचायत चुनाव से जुड़े अन्य कई निर्देशों के साथ ही एक अहम दायित्व सौंपा जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायतों के उन मुसलमान नेताओं को चुनाव में खड़ा कराएं जिनमें जीतने की क्षमता हो, साथ ही इस जीत के बाद बीजेपी से जुड़े भी रहे। ऐसे नेताओं को बीजेपी के पंचायत स्तर के प्रतिनिधि पूरा सहयोग करेंगे जिससे उनके जीत की राह आसान हो सके। बीजेपी को बिहार में अभी सबसे बड़ा खतरा आरजेडी से है, जो एक विधायक ही सही लेकिन उससे बड़ी पार्टी है, साथ में उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी भी। ऐसे में बीजेपी के लिए राजद के मुस्लिम यादव वोट बैंक को तोड़ना सबसे जरूरी है। यादवों पर बीजेपी ने अपना असर दिखाया है लेकिन मुसलमान वोटरों को तोड़ने में अभी पूरी तरह से नाकाम रही है। सहयोगी जेडीयू के खाते से भी मुसलमान वोटर निकल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जमीनी तौर पर पंचायतों में मुसलमान नेताओं को अपने समर्थन में खड़ा करना चाहती है जिससे उनके बीच आसानी से अपनी जगह बना सके।